हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडिशन रिएक्शंस। तो आपकी जो बेंजीन है या उसके जो भी होमोलॉग्स डेरिवेटिव्स हैं, तो वहां पे क्या होता है कि दे आर नॉट यूजुअली गिविंग द एडिशन रिएक्शंस। ये ऐसा एडिशन रिएक्शन देना पसंद नहीं करते। तो इसका रीजन क्या है कि एक तो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है इनके पास। सेकेंड रीजन इज कि यहाँ पे क्या है कि अब ये स्टेबिलिटी क्यों है, इट इज बिकॉज ऑफ द डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो जब पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन ही होती रहेगी तो एडिशन रिएक्शन शो करना मुश्किल है। जैसे कि एल्कीन्स इजिली एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, पर बेंजीन के लिए एडिशन रिएक्शन को शो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जब ड्रास्टिंग कंडीशंस देंगे हम, जैसे कि हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये क्या करेंगे, दे विल गिव द एडिशन रिएक्शंस एंड तब ये हमें इजीली ये रिएक्शंस को शो कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे दो एडिशन रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज द एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, या फिर इसको हम हाइड्रोजिनेशन भी कह सकते हैं क्योंकि डाइहाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। तो बेंजीन जो है आपकी, ये क्या करती है, इट एड्स थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन एंड दिस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ द रेने निकल और प्लेटिनम विच एक्ट्स एज कैटलिस्ट and the temperature conditions are 473 to 523 Kelvin and as a result आपको मिलेगा क्या यहाँ पे, you will get the cyclohexane। तो जब हम ये conditions provide करेंगे आपको cyclohexane जो है वो as a product मिलेगा। तो ये इसकी reaction है यहाँ पे, ये आपकी benzene ring हो गई, dihydrogen के साथ इसे react किया the presence of the rene nickel at a temperature of 473 to 523 Kelvin and you will get the cyclohexane। तो इस तरीके से आपकी dihydrogen जो है वो यहाँ पे add हो गई, तो आपके सारे के सारे double bond यहाँ reduce हो गए। Next is the addition of halogens। तो इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड इन द एब्सेंस ऑफ हैलोजन कैरियर्स, जो कि हमारे जैसे AlCl3 FeBr3, तो ये हैलोजन कैरियर्स थे। तो अगर आप सनलाइट लेते हैं और हैलोजन कैरियर्स को नहीं लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि जो बेंजीन है इट एड्स थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन और क्या फॉर्म करेंगे यहाँ पे, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, गैमहेक्सेन, इसका दूसरा नाम है। तो इसकी रिएक्शन हम देखते हैं कि कैसे होगी यहाँ पे। सो दिस इज योर बेंजीन, इसको हमने Cl2 के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड यहाँ पे एब्सेंस ऑफ हैलोजन कैरियर। तो इस तरीके से Cl यहाँ पे आके सारे के सारे Cl जो है यहाँ ऐड हो जाएंगे ओवर द डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है वो फॉर्म हो जाएगा। सो इन द एब्सेंस ऑफ द सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैरियर्स हमारी जो रिएक्शन थी वो कौन सी थी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। सब्स्टिट्यूशन हुई इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैरियर्स, पर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन द एब्सेंस ऑफ
हैलोजन कैरियर्स कौन सी रिएक्शन हुई यहाँ पे, एडिशन रिएक्शन. तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे जो एडिशन रिएक्शन है बेंजीन की वो अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस हो जाती है. इजीली ये नहीं दिखा पाते, बट आप जब टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस को बहुत हाई रखेंगे तो ये इजीली आपको यहाँ पे इस तरीके से एडिशन रिएक्शन को शो कर पाएंगे. थैंक यू.